हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम लोग क्लास 10th का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे, चैप्टर 1 का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। कल पढ़े हुए थे हम लोग कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन के में जब होता है, केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उस जो भी सब्सटेंस उसके अंदर भाग लेते हैं, है ना, उस सब्सटेंस के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका क्या फॉर्म होता है, किस रूप में मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स के किस सिचुएशन के आधार पर नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो हम कल पढ़े हुए थे कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन के में जो भी सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स, वह मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, इसमें एटम में टूटता है। और एटम फिर क्या करता है, रीअरेंज करके, है ना, रीअरेंज करता है और रीअरेंज करके नए सब्सटेंस का निर्माण करता है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। और इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, न्यू सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज होती है, जो सब्सटेंस ओरिजिनल जो सब्सटेंस होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, है ना। क्यों? तो मॉलिक्यूल से स्प्लाइट किया, मॉलिक्यूल टूटा, इसमें टूटा, एटम में टूटा, है ना। तो एटम क्या करता है, फिर अपने को रीअरेंज करता है और रीअरेंज करके न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। तो मॉलिक्यूल था तो रीअरेंज कर दिया, है ना, एटम से एटम से रीअरेंज किया, और जो सब्सटेंस बनेगा उस सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज होगी, जो गुण होगा, वह प्रॉपर्टीज बिल्कुल ओरिजिनल सब्सटेंस से डिफरेंट होगा। यही केमिकल रिएक्शन में होता है, है ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम देख लेते हैं कि किस प्रकार केमिकल रिएक्शन होता। पढ़े थे हम लोग जब टू और मोर सब्सटेंस केमिकली कंपाउंड करता है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, तो उस सब्सटेंस के अंदर ये मॉलिक्यूल्स और एटम के बारे में लोग पढ़े कि मॉलिक्यूल्स किस में टूटता है, एटम फिर क्या करता है, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लिया जाए, जैसे कि मैग्नीशियम की बात हम लोग करें, मैग्नीशियम सिंबल क्या होता है इसका, Mg। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है, है ना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो यहां पर देखिए, है ना, जो मैग्नीशियम है, है ना, मैग्नीशियम के बारे में आपको पढ़े हैं कि मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, है ना, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम जो होता है वह एक अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। क्या होता है, तो सिंपल से समझेंगे, वैसे एलिमेंट्स जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो, है ना, वैसे एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो। मैग्नीशियम की बात करेंगे तो पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट और तीसरा ऑर्बिट आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये ग्रुप ए का एलिमेंट है। तो ये कह सकता है ना कि वैसे एलिमेंट्स, है ना, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। अर्थ मेटल का मतलब क्या है, यह अर्थ में, है ना, फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। ध्यान रखिए, जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं या नेचर में फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं पाया जाता है। क्यों भाई? तो ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। क्यों हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं? क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए अल्कलाइन का मतलब क्या होगा, यह जो भी फॉर्म होता है यह वाटर के साथ, अल्कलाइन अर्थ मेटल का मतलब हुआ कि वैसे एलिमेंट्स जो वाटर के साथ रिएक्ट करके, है ना, अल्कलाइन का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी अर्थ में यह फ्री स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से हम लोग जानते हैं। आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, कुछ भी कह सकते हैं इसके बारे में, अपने जो भी, है ना,
ऐसे कह सकते आउटर मोस्ट से दो इलेक्ट्रॉन है, प्लेन अर्थ मतलब क्या होता है, वैसे मेटल जो अर्थ में फ्री एक्सिस्ट में नहीं होता है, पहला चीज। दूसरा क्या होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल वैसे जो वाटर के साथ रिएक्ट करता, वैसे एलिमेंट जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना, और तब उसका फॉर्मेशन करता, यही होता। और इसके बाद देखिए, यह मैग्नीशियम जो होता है सामान्यतः देखा जाए तो हम लोग बॉडी में भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है शरीर में। इसका डिस्कवर सबसे पहले साइंटिस्ट जिनका नाम था जोसेफ ब्लैक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1755 में मैग्नीशियम का डिस्कवर किया था, ठीक है ना। अब बात आ गई ऑक्सीजन का, तो ये मैग्नीशियम किसके साथ करेगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के बारे में हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन क्या होता है। तो ऑक्सीजन एक कलरलेस, अडरलेस, टेस्टलेस है ना, ये एलिमेंट्स है ना जो नेचर में पाया जाता है, एटमोस्फियर में ये काफी मात्रा में पाया जाता है ना। ऑक्सीजन का डिस्कवर जोसेफ प्रिस्टले साइंटिस्ट ने किया था, जोसेफ प्रिस्टले ने कब की है ना, इसका डिस्कवर किया था, इसका ऑक्सीजन का कैसे किया था भाई, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड ध्यान दीजिए है ना, उन्होंने क्या किया, जोसेफ प्रिस्टले ने मर्क्यूरिक ऑक्साइड को लिया और उन्होंने क्या किया, उसको हीट किया, गर्म किया है ना। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को उन्होंने क्या किया, ध्यान दीजिए, मर्क्यूरिक ऑक्साइड किसको उन्होंने लिया, एक बीकर में लिया, उन्होंने बीकर में लेकर क्या किया, गर्म करना उन्होंने शुरू किया, जैसे गर्म करते चले गए तो क्या मर्क्यूरी का टूटा है ना, मर्क्यूरी और ऑक्साइड ऑक्सीजन में टूटा, और क्या हुआ, जो यह गैस जो रिलीज हुआ वो कौन सा गैस था, ऑक्सीजन। लेकिन ये ऑक्सीजन जो टर्म था, ऑक्सीजन जो नाम था, यह ऑक्सीजन है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही फेमस कह सकते हैं है ना, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनी लेवोर्जिया। इन्होंने इस ऑक्सीजन टर्म दिया, ऑक्सीजन का नाम दिया, उन्होंने डिस्कवर तो इन्होंने किया लेकिन नाम कौन दिया, एंटोनी लेवोर्जिया ने इसका नाम दिया ऑक्सीजन। तो देखो यहां पर जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ मिला, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसके अंदर भी देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें मैग्नीशियम भी है और इसमें ऑक्सीजन भी है, लेकिन देखा जाए तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वह बिल्कुल प्रॉपर्टीज इस एलिमेंट्स या जो मैग्नीशियम एलिमेंट्स है इसके प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो यह जो बना है ना, इसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं। जब भी कोई न्यू सब्सटेंस होता है ना, उसका फॉर्मेशन होता है न्यू प्रॉपर्टीज के साथ में, उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसको पॉज करके इसको देखिएगा, नोट कीजिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा आप लोग, कहीं भी प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में डालिएगा, उसको हम लोग मिलकर उसको समस्या का समाधान करेंगे। जैसे कि और भी केमिकल रिएक्शन कुछ देख सकते हैं बहुत सारे, जैसे कि देखा जाए हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर तो पता ही होगा, सिंबल इसका एच करते हैं, मॉलिक्यूल्स में लिखते हैं, हाइड्रोजन को हमेशा क्यों लिखा जाता है, इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। हाइड्रोजन क्या हुआ भाई, ऑक्सीजन से मिला ऑक्सीजन है ना, क्या बना, वाटर का फॉर्मेशन होता है, वाटर का, तो ऐसे भी लिखते हैं हम इसको, H2+O2 गिव्स H2। बैलेंस की बात आती है तो 9th क्लास में भी आपको पढ़ चुके होंगे बैलेंस के बारे में, ठीक है ना, इसको क्या करते हैं हम लोग, बैलेंस ऐसे करते हैं। तो इसमें देखा जाए तो यह जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से मिला, तो हाइड्रोजन है ना और ऑक्सीजन तो इसको कम्बस्टेबल गैसेज कहते हैं ना, कम्बन्सन में टेक पार्ट करता है ना। हाइड्रोजन ऐसा गैस है जो जिसको जलाने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, ये दोनों क्या है, जलने वाला ज्वलनशील गैस देखा है। यहाँ पर देखिए जल वाटर का जब फॉर्मेशन होता है तो इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो क्या कभी जल को जलते हुए देखे हो तुम लोग, नहीं ऐसा नहीं, क्यों भाई, तो जब भी ये बना इसके जो मॉलिक्यूल्स हुआ टूटा, किसमें एटम में टूटा
और एटम क्या किए, फिर अपने को रीअरेंज किया इसमें और रीअरेंज करके न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया, न्यू प्रॉपर्टी, यानी इसके अंदर जो भी हाइड्रोजन है, जो भी ऑक्सीजन है, इसमें इसकी इससे जो ओरिजिनल जो सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट है। इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं, है ना। द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन, द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। वैसे सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, वैसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, जैसे देखो यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है ना, केमिकल रिएक्शन में भाग लिया, क्या बना है, वाटर। तो जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट, है ना। और रिएक्शन के बाद, है ना, रिएक्शन के बाद तो न्यू सब्सटेंस का जो फॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन या वाटर में ही यह लागू होता है, नहीं, यह कहने का मतलब कि कोई भी सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है उस सभी सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और जब न्यू सब्सटेंस इज फॉर आफ्टर द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जैसे सब्सटेंस जो रिएक्शन के बाद का फॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे इसके पहले भी हम लोग देख चुके, जैसे कि मैग्नीशियम इसके साथ मिला भाई, ऑक्सीजन के साथ मिला, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ। तो यह केमिकल रिएक्शन में भाग लिया, कौन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इसे हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, रिएक्टेंट के मिलने के बाद हुआ, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो नेचर होता है कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। यानी बेसिक नेचर का मतलब क्या हुआ, यह जो वाटर में इसको डिजोल्व किया जाता है, किसको, मैग्नीशियम ऑक्साइड को, तो बेस का फॉर्मेशन करता है ना, इसलिए हमको क्या बोलते हैं इसको, बेसिक नेचर, किसको, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जितने भी ऑक्साइड होते हैं सभी का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, वो बेस का ही निर्माण करता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम ये क्या है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है, बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट्स है ना। मैग्नीशियम के बारे में कल हम देखेंगे, मैग्नीशियम को हम दिखाएंगे भी आपको, है ना, कि मैग्नीशियम कैसे होता है, मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है ना, उसको देखा जाएगा, ठीक है ना, मैग्नीशियम रिबन कैसे होता है, हाईली रिएक्टिव होता है ना, देखना चाहेंगे तो हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना। मैग्नीशियम जो एलिमेंट्स का मतलब देखिए, उसका फॉर्म अलग अलग होता है। अब ऑक्सीजन एलिमेंट्स, अब कहा जाए कि ऑक्सीजन का एलिमेंट्स का फॉर्म कैसा होता है, तो बिल्कुल डिफरेंट होगा, अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है ना। उसी प्रकार मैग्नीशियम जब भी आता है मार्केट में भी देखिएगा, तो एक रिबन, एक स्ट्रिप के जैसा आएगा, एक रिबन के जैसा मैग्नीशियम आता है ना। क्यों भाई, तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है, ठीक है। मोस्टली कहीं भी जाइएगा मार्केट वर्केट में, है ना, वो क्या होगा, मिलेगा जल्दी, ठीक है ना, कहीं से भी ले सकते हैं, या जहां तक लैब में जहां जाइएगा सामान मिलेगा वहां मैग्नीशियम रिबन मिल सकता है। मैं आपको दिखा देता हूं कि मैग्नीशियम रिबन कहां मिलेगा, ठीक है ना, कैसा होता है मैग्नीशियम रिबन, हम दिखा देते हैं, 2 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए। यही होता है मैग्नीशियम रिबन, ऐसा ही आता है मैग्नीशियम, है ना। तो बहुत ही हाली ऐसे इसको सोचिएगा कि मैग्नीशियम रिबन को ले हम अथवा सा इसको आग में, जलते हुए आग में डाल दें, तो जलते हुए आग में भी डाल दिएगा तो क्या होगा, ये जलेगा नहीं, ये नहीं जल सकता है, है ना। क्यों नहीं जल सकता है, बहुत सारा इसका कारण है। एक तो है कि इसको जलने से बचाने के लिए, मैंने बताया कि बहुत ही हाली रिएक्टिव एलिमेंट से हो, है ना, तो इसको जलने से बचाने के लिए इसके ऊपर लेयर होता है। अब यहाँ देखिए, थोड़ा सी सोचने वाली बात है, कहीं कहीं बहुत सारे बुक में देखिएगा तो सिंपल सा कहा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर होता है, क्योंकि भाई ये ऑक्सीजन से हो जाए रिएक्शन करता है, ऑक्साइड का लेयर होता है, लेकिन ऐसा नहीं, इसके ऊपर जो बेसिक लेयर होता है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट का होता है, इसको ध्यान रखिएगा, इसका लेयर होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर, क्योंकि मैग्नीशियम रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से भी करता है
ऑक्सीजन से भी करता है, लेकिन जलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड, कहीं कहीं बहुत सारे बुक में देखिएगा कि मैग्नीशियम के रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर होती है, एक जो बेसिक लेयर जो चढ़ाया जाता है, क्यों भाई, ताकि वो जलने से उसको रोका जा सके, वह लेयर किसका होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर चढ़ाया जाता है। ऐसे भी ऑक्सीजन के साथ रहेगा क्या करेगा, तुरंत वो रिएक्शन कर जाता है, ठीक है ना, तो जल जाता है। तो उसको जलने से बचाने के लिए, दुर्घटना से बचने के लिए, इसके ऊपर जो बेसिकली आता है जो लेयर, वो मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर होता है, ठीक है ना, यही होता है। तो क्या कीजिएगा, इसको डाल दीजिएगा, नहीं जलेगा, लेकिन क्या कीजिएगा, इसको थोड़ा सा रब करना पड़ता है ना। अभी मेरे पास मैच स्टिक नहीं है, तो इसका एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे, जैसे चैप्टर के लास्ट में जितने भी चार टॉपिक में इस मतलब जो भी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ रहे हैं, है ना, इसके अंदर जो भी एक्सपेरिमेंट होगा, सब एक्सपेरिमेंट हम लोग करके देखेंगे। तो एक्सपेरिमेंट का लेक्चर हम बाद में बनाएंगे हम, ठीक है ना। अभी सिर्फ देख लेते हैं कौन कौन से कैसे होता है, इसके बारे में जानकारी आप ले लीजिए। तो यही होता है, इसको डाल दीजिएगा जलते हुए, कितना भी जल रहा है, नहीं इका को जलेगा नहीं, है ना। तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम रब करते हैं, इसको क्या किया था, रब किया, क्यों भाई, ताकि इसके ऊपर जो लेयर है वो लेयर हट जाए, है ना। तो आप सैंड पेपर से कर सकते हैं, या ऐसे भी कोई भी अगर रफ रफ सरफेस हो उसको भी कर सकते हैं, यहाँ तक क्वाइन होगा, क्वाइन से भी मार दीजिएगा, आप जैसे ही लिख देंगे तुरंत ये जलेगा, वो जलना शुरू कर देगा, ठीक है। तो बहुत ही हाईली रिएक्टिव ये एलिमेंट्स होते हैं, जो एक रिबन के फॉर्म में आता है। क्वेश्चन आता है कभी कभी कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन देखो, यहाँ पर एयर, एयर का मतलब ही ऑक्सीजन होता है ना। तो एयर में जलाने के पहले या ऑक्सीजन में जलाने के पहले उसको रब किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो इसका रीजन यही होता है, ठीक है। और वीडियो देखते रहिए आप लोग, ठीक है ना, जहाँ समस्या हो, है ना, तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, है ना, और कोशिश कीजिएगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसे आपका सहयोग रहेगा। तो ये जो लेक्चर होगा, वीडियो होगा, हमेशा प्रतिदिन हम डालते रहेंगे, बनाते रहेंगे, है ना। और जो भी क्वेश्चन है, डाउट हो, कॉमेंट बॉक्स में डालिए, उसका हम समाधान करेंगे। आप भी कुछ कीजिएगा, हम भी करेंगे, ठीक है। आज भर के लिए यहीं पर, लेके बाय।